मीडिया में एंकर ही हैं जो देश की बात जनता के सामने रखते हैं अपने डिबेट या शो के जरिए। आज हम कुछ एंकर्स की डिबेट या शो देखेंगे कि उन्होंने पिछले 5 दिनों में अपने डिबेट में कौन से मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं न्यूज़ 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और देखते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, क्या स्कूल खुलने का समय आ गया है? दूसरा, क्या अब किसान आंदोलन की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी? तीसरा, सरकार और किसानों में कहां अटकी बात? चौथा, बारिश और ठंड का प्रहार, कब तक किसान करेंगे इंतजार? कल की बैठक में निकलेगा समाधान? पांचवा, दिल्ली में घुसने की धमकी देकर अपनी बात मनवा लेंगे किसान? संदीप चौधरी ने अपने डिबेट में कोरोना में स्कूल खोलने का मुद्दा उठाया और भाजपा नेता से इसको लेकर कुछ तीखे सवाल भी किए। मतलब स्कूल खुल रहे हैं और फिर मैं, ये कोई राजनीतिक सवाल नहीं है, पंजाब भी इसमें आता है, इसमें उड़ीसा भी आ रहा है, कर्नाटक भी आ रहा है, महाराष्ट्र भी। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की तो ट्रायल ही नहीं हुई, हम बच्चों को तो टीका ही नहीं लगवा सकते। आप अपने घर के बच्चों को स्कूल भेजेंगे क्या जफर इस्लाम? कि जिनके बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही है पेरेंट्स द्वारा कि हमें अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, 9 महीने से घर में बंद है, स्कूल भेजना है, स्कूल में जाना चाहिए, स्कूल जाने चाहिए, ऐसी बहुत सारे डिमांड भी आ रही है स्कूल को और सरकारों को इस तरह की। तो अब ये स्कूल के नहीं खोल रहे हैं ना, पंजाब 5वीं से 12वीं, गुजरात 10वीं और 12वीं, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल। एक मिनट, तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन जब वो और स्कूल मैनेजमेंट पे जब बात होती है और उसके बाद जो सहमति होती है छोटे बच्चों, मतलब कोरोना इस भूत से हमारा पीछा छूटा नहीं है। अरे पेरेंट्स चाहते हैं, पेरेंट्स तो पता नहीं क्या क्या चाहते हैं। 24 मार्च को पिछले साल जब आपने लॉकडाउन की घोषणा की थी, कोई रायशुमारी की थी क्या? अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी की और देखते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहला, क्या मोदी सत्ता को आईना दिखा देगा किसान आंदोलन? दूसरा, क्या किसान आंदोलन का नया चेहरा है ट्रैक्टर रैली? तीसरा, तो क्या सरकार को सिर्फ फसल चाहिए, किसान नहीं? चौथा, खाली हाथ कृषि मंत्री, किसानों के तेवर कड़े? पांचवा, कल निर्णायक बातचीत से पहले जाने कॉर्पोरेट कल्याण नीति। पुणे प्रसून वाजपेयी ने अपने शो में किसानों की मंशा को बताया और सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों पर सवाल भी उठाए। उन्होंने किसानों और सरकार के बीच चल रही मीटिंग को लेकर टिप्पणी भी की। शायद भारत के इतिहास में ये पहला मौका है जब आंदोलन करने वाले लोग ही कह रहे हैं अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब क्या ये है कि सरकार पर भरोसा नहीं, और सरकार के मातहत क्या इस देश की जुडिशरी भी चल पड़ी है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं? या फिर जिस तरीके से आज किसान नेताओं ने बाहर निकलकर साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि दरअसल हमने जिसे चुना है फैसला हमें उसी से चाहिए, या फिर यह आंदोलन चलता रहेगा चाहे जान चली जाए, इसके मतलब क्या है? यह मतलब बहुत साफ है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था इतनी सड़ गल चुकी है कि अब उसे परिवर्तन करने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि भारत के भीतर में जो आर्थिक ढांचा अपनाया जा चुका है और राजनीतिक सत्ता उसी आर्थिक ढांचे को सुधार का नाम देकर मजे करते रहती है, दरअसल अब उसे बदलने का वक्त आ गया है। अब बात उस मीडिया की करते हैं जो सरकार से तो कभी सवाल करता नहीं, और अगर कभी कोई सवाल करता भी है तो विपक्ष से, और इसके साथ ही वो किसी भी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी भी नहीं देता। पहले बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के सीनियर पत्रकार अर्णब गोस्वामी की और देखते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, 15 जनवरी को बनेगी बात। दूसरा, क्या भड़काऊ गैंग अमेरिका की आग से सबक लेगा? तीसरा, किसानों के नाम पर सियासत कब तक? चौथा, मोदी विरोध में देशहित का विरोध? पांचवा, भ्रम की राजनीति पर प्रचंड प्रहार। अर्णब ने अपनी डिबेट में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। खैर, देश में सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन है, तो देखते हैं कि वे किसान आंदोलन के मुद्दे पर क्या कहते दिखाई दिए। आंदोलन कर रहे किसान 42 दिन से सड़क पर बैठे हैं। सरकार के साथ अगली बातचीत 8 तारीख को होने वाली है। उम्मीद है कि इस बातचीत में समाधान जरूर निकलेगा, पर कुछ लोग लगातार इस बातचीत में रोड़ा अटका रहे हैं। ये हर वक्त ये आंदोलन की आग को और भड़काना चाहते हैं। इनके लिए किसान इंसान नहीं है दोस्तों, बस एक मुद्दा है,
दोस्तों मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि जो लोग इस आंदोलन में आग लगा रहे हैं उन लोगों को पहचानना होगा, ये सिर्फ आग भड़काना जानते हैं, इसे बुझा पाना इनके बस का नहीं है। अब बात करते हैं न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की और देखते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, बातचीत से क्यों नहीं मिल रहा समाधान। दूसरा, गणतंत्र दिवस में भी सियासी मौका। तीसरा, वैक्सीन पर भड़काएंगे सियासत चमकाएंगे। चौथा, संवाद से होगा संपूर्ण समाधान। पांचवा, कोरोना वैक्सीन पर क्या बोल गए रामदेव। अमीश देवगन ने कई मुद्दों पर डिबेट की। उन्होंने कोरोना वैक्सीन पर एक डिबेट की, देखते हैं क्या उसमें वे कोई जानकारी दे भी रहे हैं या नहीं। देश में कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन नए स्ट्रेन से बड़ी तनाव जो है वो बढ़ गया है। क्या आपको लगता है कि अब नई वैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है? क्या आपको लगता है, जो भारत में ही बनी है, क्या आपको लगता है कि कोरोना 2021 में की शुरुआत में ही बाय बाय कह देगा भारत को? आपकी कोरोनिल ने भी बड़ा धमाल मचाया है। अभी 2021 के अंत तक आम लोगों को वैक्सीन मिलने की संभावना न के बराबर है। जो भी कोरोना के अभी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो लॉन्ग कोरोना जिसको बोलते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स हैं, किसी को लंग में लम्प्स हो रहे हैं, गांठें हो रही हैं, किसी को पूरा नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, तो इन सब के लिए तो वापस लोगों को योगी अपनाना पड़ेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं वैक्सीन का विरोधी नहीं हूँ कि वैक्सीन से 6 महीने 9 महीने कितनी दिन हमारी जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करेगी, योग वाली इम्यूनिटी परमानेंट काम करेगी। मीडिया के एक हिस्से से हम खबर के साथ साथ पूरी जानकारी भी पाते हैं, तो वहीं दूसरे हिस्से से हमें खबर के साथ कुछ और देखने को नहीं मिलता। दोनों तरफ के मीडिया को आपने खुद ही सुन लिया है, अब आप ही तय करें कि आपको किस मीडिया को देखना है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।